गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज या भोज प्रथम के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी में मिहिर भोज के उत्तराधिकारी अन्य गुज्जर प्रतिहार शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। महेंद्रपाल प्रथम, जो मिहिर भोज के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए, नेक्स्ट जो शासक गुज्जर प्रतिहार शासक थे वो है महेंद्रपाल प्रथम। इनका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी। ये योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। हमने पढ़ा था कि मिहिर भोज अपने समय का उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन के उभरा था। तो ये मिहिर भोज या भोज प्रथम के पुत्र थे। ये भी अपने पिता की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हुए और अपना जो गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य है उसका काफ़ी विस्तार किया। तो योग्य पिता के योग्य पुत्र और भोज प्रथम के पुत्र। इनके जो अन्य नाम है वो है निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल, महेंद्रायुध इत्यादि। ये इनके अन्य नाम जो मिले हैं अभिलेखों वगैरह में वो है। इनके जो दरबारी साहित्यकार एवं जो गुरु है वो राजशेखर थे। बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजशेखर किन के दरबारी थे, तो महेंद्रपाल प्रथम के। जो राजशेखर जो इनके गुरु थे, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और हमें इन कृतियों को याद रखना है कि राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों के नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किनके हैं, या मिलान करना दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा किसका ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ जो राजशेखर के जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो प्रथम ग्रंथ है कपूर मंजरी, और अन्य है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत का अन्य नाम है प्रचंड पांडव, हर विलास, विद्वसाल भंजिका और भुवन कोश। ये इनकी कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। कपूर मंजरी नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर की थी। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भटारक, परम भागवत, परमेश्वर इत्यादि उपाधियां धारण की। इन्होंने पालों से मगध और उत्तरी बंगाल छीनकर अपने राज्य में मिला लिए। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। महेंद्रपाल प्रथम ने, जैसे इनके पिता ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था, वैसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष में महेंद्रपाल प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। शासनकाल के अंतिम समय में कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने महेंद्रपाल के कुछ भूभाग छीन लिए। अर्थात महेंद्रपाल अपने शासन के अंतिम समय में कश्मीर के राजा शंकर वर्मन से पराजित हुआ था। महेंद्रपाल प्रथम के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 910 से 913 ईस्वी रहा। लेकिन भोज द्वितीय के सौतेले भाई अर्थात महेंद्रपाल प्रथम का जो एक अन्य पुत्र था महिपाल प्रथम, उसने अपने भाई भोज द्वितीय से राज्य छीन लिया। नेक्स्ट जो गुज्जर प्रतिहार शासक बना वो था महिपाल प्रथम। इसका शासनकाल है 914 से 943 ईस्वी। राजशेखर जो कि महेंद्रपाल प्रथम के भी गुरु और दरबारी थे, वो महिपाल प्रथम के समय भी इनके भी दरबारी रहे। तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि, वे रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा।
ये याद रखना है कि राजशेखर ने किस शासक को आर्यावर्त का महाराजा अधिराज रघुकुल मुक्तामणि वे रघुकुल मुकुटमणि कहा? तो महिपाल प्रथम को। विनायक पाल एवं हेरम्ब पाल के नाम से भी जाना जाता है महिपाल प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इनके जो पिता थे महेंद्रपाल प्रथम, इन्होंने तो राष्ट्रकूट वंश के नरेश इंद्र तृतीय को पराजित किया था, लेकिन महिपाल प्रथम के समय इंद्र तृतीय पुनः कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो महिपाल प्रथम के समय गुर्जर प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रकूटों के वापस चले जाने के बाद जब इंद्र तृतीय कन्नौज पर अधिकार करके वापस दक्षिण भारत चला जाता है, अपने राज्य चला जाता है, तो उसके बाद चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से महिपाल प्रथम ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री जो कि बगदाद का निवासी था अल मसूदी, ये भारत यात्रा पर आया 915-916 ईस्वी के दौरान। अल मसूदी भारत यात्रा पर आया और इसने गुजरात का भ्रमण किया महिपाल प्रथम के समय। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया, किस गुजर प्रतिहार शासक के शासनकाल में अल मसूदी ने भारत की यात्रा की, तो महिपाल प्रथम के समय। और कहाँ की, किस राज्य की यात्रा की, गुजरात की। अल मसूदी लिखता है कि गुजर प्रतिहार अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को अल गुर्जर, जो कि गुजर का अप्रिंस है, और राजा को बोरा कहकर पुकारा, जो संभवतः आदिवरा बोरा आदिवरा का विशुद्ध उच्चारण है। महिपाल प्रथम के समय प्रतिहारों का जो है पतन शुरू हो जाता है। महिपाल प्रथम के बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना महेंद्रपाल द्वितीय 945 ईस्वी। महिपाल प्रथम वे प्रज्ञादना का पुत्र, इसकी माता का नाम प्रज्ञादना। इसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है देवपाल। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद जो नेक्स्ट बना देवपाल। देवपाल के समय चंदेलों ने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। चंदेल जो कि पहले गुजर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, देवपाल के समय इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना दिया और ये गुजर प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गए। देवपाल के बाद नेक्स्ट जो गुजर प्रतिहार शासक हुए विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और विजयपाल। विजयपाल के समय गुजरात में चालुक्य राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। विद्यार्थियों हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही जो कमजोर गुजर प्रतिहार शासक आने शुरू हो जाते हैं तो उनकी दुर्बलता का फायदा उठाकर इनके जो सामंत रहे, जो अन्य जो शासक थे अलग अलग जगहों के, जैसे चंदेलों ने स्वतंत्र राज्य बना लिया, वैसे ही गुजरात में चालुक्य राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। मालवा में परमारों ने अपनी स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चंदेल तथा चेदियों ने यमुना नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में स्वतंत्रता की घोषणा की। तो विजयपाल के समय गुजरात में चालुक्य राजाओं ने, परमार जो मालवा में स्वतंत्र हो गए, चंदेल और चेदियों ने यमुना नर्मदा के मध्यवर्ती भागों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नेक्स्ट जो शासक हुआ गुजर प्रतिहार शासक राज्यपाल, इसके समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, जिससे डरकर राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। गजनवी ने जैसे ही कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने किस गुजर प्रतिहार शासक के समय कन्नौज पर आक्रमण किया, तो राज्यपाल के समय कब किया, 1018 ईस्वी में। और क्या जो वहाँ का जो गुजर प्रतिहार शासक था राज्यपाल, वो कन्नौज छोड़कर डर के वहाँ से भाग जाता है। जब महमूद गजनवी वापस लौट जाता है तो उसके जाने के बाद, जब वो गजनी चला जाता है तो लौट जाने के बाद चंदेल नरेश विद्याधर ने क्या किया, राज्यपाल को उसकी कायरता का दंड देने के लिए कि भाई देख
एक विदेशी आक्रांता ने जब आक्रमण किया तो तू डर के भाग गया, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया। तो इससे जो चंदेल नरेश विद्याधर था उसको गुस्सा आया, उसकी कायरता का दंड देने के लिए उसने क्या किया, राज्यपाल पर आक्रमण करके उसको युद्ध में मार डाला। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यपाल को किस शासक ने युद्ध में मारा, चंदेल नरेश विद्याधर ने। क्यों मारा? उसकी कायरता का दंड देने के लिए, चूंकि वो महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया था तो डर के भाग गया था, तो इस कारण उसने युद्ध में उसको मार दिया। नेक्स्ट जो गुजर पतियार शासक है वो है त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल के समय पुनः महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में आक्रमण किया और त्रिलोचनपाल को भी महमूद गजनवी ने क्या किया, पराजित कर दिया। तो महमूद गजनवी ने दो गुजर पतियार शासकों को पराजित किया, एक राज्यपाल और दूसरा त्रिलोचनपाल। नेक्स्ट है यशपाल, 1036 ईस्वी, पतियार वंश का अंतिम शासक। ये प्रतियोगी एग्जाम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पतियार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यशपाल पतियार वंश का अंतिम शासक था। गुजर पतियारों के बाद लगभग 1090 ईस्वी में गहड़वाल वंश के चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज का राज्य गहड़वालों के अधिकार में चला जाता है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।